आज हम आपको बैंड सीलर का डेमो देंगे। इसमें सबसे पहले आपको ये चेक करना आता है कि आपका इमरजेंसी स्विच जो है ये इमरजेंसी स्टॉप के लिए होता है। ये घुमा के चेक कर लेना कि ये नीचे तो नहीं दबा हुआ, नहीं तो मशीन ऑन नहीं होगी। इसके बाद ये तीन बटन है, पावर, फैन, हीटर, ये तीनों ऑन करोगे। ये कन्वेयर की स्पीड के लिए होता है, ये कम ज़्यादा आप स्पीड इससे कर सकते हो। अब मेन आते हैं टेम्परेचर कंट्रोलर पे। ये आपका टेम्परेचर कंट्रोलर है, ये जैसे आपको पाउच के अकॉर्डिंग 150 to 200 मैक्सिमम केसेस में रखना होता है। अगर बहुत मोटा पाउच है तो फिर उसके लिए हम ज़्यादा भी रख सकते हैं। अब इसमें जैसे हमने ये 180 के अराउंड रख लिया, यहाँ पे ये हम लाइन देख रहे हैं रेड वाली। अभी धीरे धीरे जैसे इंक्रीज होगा टेम्परेचर तो ये लाइन वहाँ पे आपके 180 पे पहुँच जाएगी और ये रेड लाइट यहाँ पे जल जाएगी, जिससे पता लग जाएगा हमें कि ये मशीन रेडी है। हम वेट करते हैं इसको स्टार्ट करने की। कन्वेयर की अब तक हम स्पीड बंद भी रख सकते हैं। इसको ऑफ़ करते टाइम भी हमें एक ये ध्यान रखना होता है कि जब ऑफ़ करें तो पहले हीटर ऑफ़ करना होता है, उसके 10 मिनट बाद हम फैन ऑफ़ करते हैं ताकि अंदर की जो हीट है वो बाहर निकल जाएगी। उसके बाद आप पावर भी ऑफ़ कर सकते हो मेन। अब हम देख रहे हैं जैसे ये टेम्परेचर 100 से ऊपर चला गया, 100 और 200 के बीच में आ गया, जितना हमने सेट किया है जैसे ही उतना आएगा ये रेड लाइट जल जाएगी। उसके बाद हम कन्वेयर स्टार्ट करके ये पाउच आपको पैक करके दिखाएंगे। ऑलमोस्ट उतना चला गया, रेड लाइट आ गई है, मशीन रेडी है। अब हम ये कन्वेयर स्टार्ट करेंगे, ये हम यहाँ से पाउच लगाएंगे। ये आपका पाउच पैक होके रेडी है। इस पर सीलिंग भी दे सकते हो, कितनी डिजिटल टाइप, बिल्कुल 4 लाइनर प्रॉपर सील आई है जैसे बड़ी कंपनीज देती हैं, ये आप ध्यान से देख सकते हो। इसमें ये आपका सील है, पूरी तरह सीला। अब ये फटेगा, अब ये खुलेगा नहीं, ये देखो ये फटेगा, अब ये खुलेगा, ये प्रॉपर सील है।